ओके तो भाई लोग, WWE से रिपोर्ट आ रही है कि विंस मैकमैन बैड बनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो उन्होंने स्मैकडाउन के दिन हरकत की थी। एंड वो क्या की थी उसके बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात कर लेते हैं हम लोग बैड बनी के बारे में। तो भाई बैड बनी से रिलेटेड अपडेट ये आ रही है कि आपने अगर ध्यान दिया हो स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो वो एकदम बैडएस तरीके से एंट्री की थी उन्होंने, जो कि उनके मैच को हाइप निकले थी। हालांकि स्मैकडाउन का एपिसोड बिल्कुल बकवास था, लेकिन वहां पर से एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थिंग हो जाती है जो कि बैड बनी करता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा कि बैड बनी एक जैकेट पहन कर आते हैं जिस जैकेट पर लिख रहा था WWE। WWE ने ये चीज काफी टाइम पहले ही बैन कर दी थी कि अब उन्होंने अपना न्यू नेम WWE कर रखा है। एंड भाई विंस मैकमैन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि बैड बनी उनके टेलीविजन पर WWF की जैकेट पहन करके आई है। हालांकि अब WWE हर जगह से वो चीज को ब्लर कर रही है जहां जहां वो पार्ट थे, एंड मैं भी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट की सिचुएशन बहुत तगड़ी आ जाती है भाई लोग। लेकिन भाई यहाँ पर से ये चीज कंफर्म है कि बैड बनी से विंस मैकमैन बिल्कुल भी खुश नहीं है जो उन्होंने ये चीज करी है। लेकिन भाई यहाँ पर से क्वेश्चन एक ये भी उठ जाता है कि जब बैड बनी टेलीविजन पर आ रहे थे उससे पहले बैक स्टेज में काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी चीजें उनको समझाई जाती है, तो वहां पर से किसी ने भी ध्यान क्यों नहीं दिया भाई? अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ आप लोग को क्या लगता है बैड बनी के साथ क्या होगा, नीचे कमेंट में बताओ। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।